नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बृहस्पतिवार को कृष्णांजलि नाट्यशाला में आयोजित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में धन की कोई कमी नहीं है। सभी पात्र दिव्यांगों को पेंशन योजना के तहत लाभान्वित करने हेतु बजट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 40% दिव्यांगता से ग्रसित पात्र सभी व्यक्तियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। अगर किसी दिव्यांग जन साथी के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो जेल जाने को भी तैयार है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्राविधान करा दिया गया है। ऐसे दिव्यांग जिन्हें अभी तक विभागीय पेंशन नहीं मिली है वह उचित माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग अनुदान योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुशीर अहमद एवं प्रदेश अध्यक्ष एवं तहसील अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप खुद महसूस करते होंगे, चाहे अस्पताल चले जाइए चाहे किसी जगह चले जाइए, हम नहीं कहते 100% है, लेकिन पिछली सरकार से बेहतर आपको मिलेगा। आप चले जाइए शौचालय के सवाल पे, पिछली सरकार ने जो किया उससे हम लोग बेहतर किए हैं। हम नहीं कहते कि हम 100% कर दिए हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि जो बीमारी 70 साल की है तो उसमें कम से कम 7 साल तो लगे ठीक करने में। आप जैसे किसी इशू पर आप देखिए, अब जैसे सवाल आप लोगों की तरफ से होते हैं, सड़क में गड्ढे हैं, अभी आपने नहीं पाटा। अब गड्ढे 20 साल में गड्ढे खोदे गए, अब 21 साल में कैसे पाट दें हम लोग, पर टाइम लगेगा ना। तो हम लोग की कोशिश हो रही है, सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है कि हम अपने समय में कितना बेहतर कर सकें। जो वादा हम लोगों ने किया है, आपने देखा किसानों की कर्ज माफी का कहा गया था उसको किया गया, छात्रों को वो बाइक देने की बात हम लोगों ने किया था, जूता देने की बात किया था, मोजा देने की बात किया था और ड्रेस चेंज करने की बात किया था, तो उसको हम लोगों ने किया। कोशिश हम लोगों की हो रही है कि समय से जैसे विद्यालय एडमिशन हो गए, समय से उनको पुस्तक मिल जाए, बैग मिल जाए, जूता मिल जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हर क्षेत्रों में कोशिश हो रही है। हमारे पास जो विभाग है हम तो उसी विभाग में भाई लड़ रहे हैं ज़्यादा। मंत्री जी, गुजरात में दलितों का अत्याचार हो रहा है, अभी एक हाल ही में एक दलित साइड की हत्या करी है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको? और सरकार से आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद ये करते हैं साहब, जो पैसे का धंधा कर रहे हैं आप लोगों, किस तरह की और सुविधा दी जाए, किस तरह की और सुविधा चाहिए आप लोगों को? और सुविधा साहब जैसा है कि लोन आ जाए तो जो पैसे का धंधा कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।